पाकिस्तान वर्सेज ऑस्ट्रेलिया सेकेंड टेस्ट मैच इज हेयर एंड हम अपनी गलतियों से सीखेंगे जो पिछले टेस्ट मैच में की थी और उसकी मदद से हम बनाएंगे अपनी बेस्ट इलेवन जो खेलेगी कल का टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट और होपफुल एक मेरेकल पुल ऑफ करेंगे हम तो हेयर इज माई बेस्ट इलेवन तो ओपनर्स में इट इज गोइंग टू बी अब्दुल्ला शफीक देर इज नो डाउट अबाउट दैट अब्दुल्ला थोड़े से अनलकी रहे थे फर्स्ट इनिंग्स में बट आई स्टिल थिंक ही इज टेक्निकली मोर साउंड ंगस्टर एज न्यू टेस्ट मैच प्लेयर उनका रेकर्ड काफी डिसेंट है ही शुड भी गिवन अ चांस आई थिंक ही कैन प्ले बेटर इन मेलबर्न इन एम सी जी सो ही शुड भी गिवन अ चांस लॉन्ग विद हिम इट इज़ गोइंग टू बी साई मयूब आई थिंक इमाम इमाम हक ने एक फिफ्टी स्कोर की थी फर्स्ट टेस्ट मैच में सेकंड इनिंग्स में कुछ खास परफॉर्म नहीं किया था बट वो फिफ्टी भी जो थी आई थिंक इट वेंट डाउन टू अ लॉस्ट कॉज साइम मयूब जो कि आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान इनसाइड ऑफ पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इंटरनेशनली हर फॉर्मेट के अंदर कायद अजम ट्रॉफी में भी बेहतर परफॉर्म किया यंगस्टर हैं उनको एक हंड्रेड परसेंट एक चांस देना चाहिए इज अ रीज़न उनको स्कॉड में रखा गया है वन डाउन इन द मिडल ऑर्डर इट इज गोइंग टू बी शान मसूद आवर कैप्टन नो डाउट बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं बहुत सा प्रेशर है लाइक आई सेड के एज अ कैप्टन एज अ टेस्ट मैच प्लेयर एवरेज अच्छी नहीं है और ये चीज़ हॉन्ट करेगी उनको ही नीड्स टू स्कोर रन इंटेंट अच्छी थी लोग एग्रेसिव ओवरऑल एज अ कैप्टन सो आई थिंक एक डेफिनेटली एक बहुत बड़ा प्रेशर है जो उनको ईज ऑफ करना पड़ेगा ही जस्ट नीड्स टू स्कोर रन उनके बाद इट्स गोइंग टू बी बाबर आजम एंड टू बी ऑनस्ट इवन दो बाबर आजम भी कैप्टन नहीं है बट एक सॉर्ट ऑफ सिमिलर स्टोरी है फॉर बाबर आजम एज़ वेल well. बट दीज आर आवर बेस्ट होप्स और हमें चाहिए कि ये जो चार लोग हैं दे नीड टू परफॉर्म टू बी ऑनेस्ट आप जितनी मर्जी डेप्थ डाल लें अगर आपके ऊपर से प्लेयर्स ही नहीं परफॉर्म करे वो हमने भी देख लिया पिछले मैच में भी जो हमारी डेप्थ थी उसने कुछ खास काम नहीं किया सो लोअर मिडल ऑर्डर में उसके बाद इट इज गोइंग टू बी रिजवान हु विल ऑल्सो बी दी विकेट कीपर मैंने पिछले वीडियो में भी ये बताया था बहुत से लोगों ने मुझे जो है वो जलील कर दिया गालियां दे दी जो सैफी भाई के फैंस हैं भाई आई ऑल्सो लाइक सैफी भाई एंड आई ऑल्सो वांट कि वो बंदा हो टीम में जो परफॉर्म करे आई एम ओनली मेकिंग दिस बेस्ट एलेवन बेस्ड ऑन द स्टार्ट एंड स्टार्ट ये कह रहे हैं कि रिजवान एक इनफॉर्म प्लेयर जो वनडे में खेल के आया है वर्ल्ड कप में इनफॉर्म था वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की तरफ से रन स्कोर किए हैं ओवरऑल थ्रू आउट द ईयर भी उन्होंने अच्छे रन स्कोर किए हैं पिछले सालों में उन्होंने सिर्फ इम्प्रूव किया है आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान उनका जो रिकर्ड है वो सिर्फराज से बेहतर है इन ऑस्ट्रेलिया उनका रिकर्ड सिर्फराज से बेहतर है बेशक कम मैचेस खेले हैं पूरी मैं वीडियो बना चुका हूँ सो देर नो डाउट के रिजवान को होना चाहिए टीम के अंदर सो so, एक बड़ी मिस्टेक थी रिजवान को बाहर रखना टीम में मैं तो जलील हुआ गालियाँ पड़ी फिर वो एक गोरे कॉमेंटेटर जब बोल रहे होते हैं कि यार इस प्लेयर को होना चाहिए तो फिर लोगों को लगता है हाँ यार इस लोगों को होना चाहिए भाई मैं भी स्टैट्स की मदद मतलब से जो है वो वीडियो बना रहा होता हूँ एनी वे सो ये हो गया हमारा विकेट कीपर बैट्समैन का डिसीजन एंड आई एम प्रटी श्योर इट्स गोइंग टू बी फॉर द बेस्ट क्योंकि वर्स्ट क्या ही हो सकता है उससे पहले भी सरफराज जो है परफॉर्मिंग एंड आई एम नॉट सरप्राइज आई वॉन्टेड हिम टू परफॉर्म बट आई वॉजेंट सरप्राइज़ जब उन्होंने परफॉर्म नहीं किया तो आफ्टर रिजवान इट्स गोइंग टू बी साउथ शकील आई थिंक ही हैज कंसिस्टेंट एंड इवन इन एशिया तो बहुत कंसिस्टेंट रहे हैं वही उम्मीद थी कि उसी तरह अपनी फिफ्टीज जो है वो कंटिन्यू रखेंगे इन एलिया एज वेल उसके बाद हम आ जाते हैं अपने ऑलराउंडर्स के ऊपर या स्पिनर्स के ऊपर तो फहीम अशरफ इज़ नॉट गोइंग टू बी इन द स्क्वाड अब हमें लेकिन एक ऑलराउंडर तो चाहिए ताकि कुछ बैटिंग में स्लाइटली डेप्थ हमारी एड हो जाए एंड कुछ हमें बॉलिंग में भी उसका एडवांटेज होता हो जाए तो दैट इज आगा सलमान अप देर पार्ट टाइम स्पिन की ऑप्शन मिल जाएगी बैटिंग में डेफिनेटली नीड्स नीड्स टू इम्प्रूव बट अभी जो हमारा स्क्वाड है उसमें दैट्स द बेस्ट ऑप्शन दैट वी हैव इवन दो एशिया में अगेंस्ट श्रीलंका इसी साल में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था स्टार्ट में बट आई थिंक अगर वही वाला टच में वापस आ जाते हैं तो दैट वुड बी ग्रेट नाउ वी नीड ए स्पेशलिस्ट स्पिनर पिछले मैच में यही गलती थी मैंने मैच के स्टार्ट में यह बोला था कि स्पेशलिस्ट स्पिनर ना रखने की वजह से हम हॉन्ट होंगे ईवन दो अबरार को रखना था इंजर होके बट नुमान थे नुमान को भी नहीं रखा साजिद खान अपेरेंटली साजिद खान वेन टू ऑस्ट्रेलिया फॉर द फर्स्ट टेस्ट मैच बट वो थोड़ा लेट पहुंचे थे साजिद खान विल बी आर स्पेशलिस्ट स्पिनर और राइट आर्म ऑफ स्पिनर है एंड आई एम आई एम रियली होपिंग वो जो कमी थी पिछले टेस्ट मैच में ये पूरी करेंगे अब बात आ जाती है फास्ट बॉलरस की वेरी इंटरेस्टिंग हुरम शजाद जो मेरे लिए पिक ऑफ द बॉलर्स थी पिक ऑफ द मतलब प्लेयर ऑफ द टीम था जो पाकिस्तान टीम से वो खुरम शहजाद था पिछले टेस्ट मैच में ही इज इंजर्ड इंजरीज का जो ये कर्स है पाकिस्तान के लिए कंटिन्यू हो रहा है सो so ये एक और वरी है पाकिस्तान के लिए एंड वी नीड टू वर्क हमारे जो फिटनेस डिपार्टमेंट है नीड टू वर्क ऑन दैट क्यों प्लेयर्स इतने इंजर हो रहे हैं ऑन टूर इंजर हो रहे हैं आगे पीछे इंजर हो रहे हैं भाई सो so, ये एक बड़ा मसला एट द मोमेंट एनी वे दैट इज अ टॉपिक फॉर अ सेपरेट वीडियो तो खुरम शहजाद इज आउट um, शाहन अफरीदी Will be बी pick इवन दो इतने इंप्रेसिव नहीं थे बट वो सीनियर प्लेयर हैं अभी हमारे पास स्क्वाड में और कोई ऑप्शन भी नहीं एंड इट इज़ इम्पॉसिबल टू गो विदाउट शाहीन और हम ये उम्मीद ही कर सकते हैं कि वो किसी तरह अपना वो टच जो है उसमें वापस आ जाए एंड वी नो दैट कि अगर ही इज़ इन दैट टच ही इज़ जनरेटिंग पे स्विंग कर रहे हैं प्रॉपर लाइन he ही इज़ वन ऑफ दी मोस्ट डेंजरस बॉलर तो इसी उम्मीद में ऑब्वियसली शाहीन विल be there विद his एक्सपीरियंस और उनके साथ होंगे आमर जमाल आई थिंक आफ्टर Khurram शजाद अमर जमाल वॉज द टॉप परफॉर्मर और अगेन फाइफर लिया उन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी स्पेशली अपने सेकेंड स्पेल के अंदर तो उन्होंने मज़ा करा दिया था सो so अमर जमाल विल भी देर और काफ़ी मुझे उम्मीद है इस दफ़ा जो है हम बड़े रन नहीं स्कोर करने देंगे ऑस्ट्रेलिया को और हमारे बॉलर्स विल भी ऑन टॉप ऑफ देम बिफोर लास्ट टाइम सो थर्ड बॉलर जो है हमारे अब हमारे पास ऑप्शन बच जाती है फास्ट बॉलर की वसीम जूनियर या फिर हसन अली सो so हसन अली विल नॉट बी देर फॉर मी इट इज़ गोइंग टू बी आइदर वसीम जूनियर और मीर हमजा तो वसीम जूनियर शुड हैव बीन देयर फॉर द फर्स्ट टेस्ट मैच उनकी पेस हमें चाहिए थी वहां अगेन वर्ल्ड कप से आ रहे हैं इन फॉर्म है परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं वर्ल्ड कप में आपको वनडे में उन्होंने अच्छी खासी विकेट्स दिए अच्छे खासे कम दिए हैं सो अगेन आई डोंट नो ये कैसी सिलेक्शन रही थी पिछले टेस्ट मैच की बट फॉर मी जिसको शाहीन के साथ न्यू बॉल अगर मैनेज करनी है तो फिर आई विल बी आई विल बी गोइंग विद मीर हमजा इंस्टेड ऑफ वसीम जूनियर एक और ऑप्शन एक और ऑप्शन हो सकती है अगर आपको चार फास्ट बॉलर्स के साथ जाना है तो आप ये कर सकते हैं कि आप आगा सलमान की जगह आप वसीम जूनियर को ला सकते हैं बट स्टिल आई बिलीव हसन अली विल नॉट बी there आई नो हम एक्सपीरियंस की बेस पर उनको वर्ल्ड कप में भी लेके गए थे एंड वी सॉ के वो चीज़ें अर नॉट क्लिकिंग फॉर देट प्लेयर दे नीड टू टेक अटेप बैक दे नीड टू प्ले डोमेस्टिक उसमें परफॉर्म करें एंड देन यू नो दे नीड टू मेक अ कम बैक इन द टीम आई डोन्ट थिंक इस तरह से जस्टिफाई होती है किसी और की जगह सन अली को जस्ट बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस ले आए दिस इज माय बेस्ट इलेवन वर्सेस ऑस्ट्रेलिया एंड आई एम होपिंग कि अगर हम ये कॉम्बिनेशन खिलाएंगे दिस विल बी अ विनिंग कॉम्बिनेशन एंड होपफुली इट विल हेल्प अस गेट अ बैक देखते हैं क्या होता है कल के मैच में सी यू देन अल्लाह हाफिज़